नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम वापस इस्लामाबाद मनाल से रावलपिंडी शहर की तरफ उतर रहे हैं और ये पहाड़ी सिलसिला उतरते ही आपको और इस्लामाबाद का ये खूबसूरत रंग बिरंगी बरकी कमकमों वाला शहर यूँ लगता है जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया है और सितारे ज़मीन पर झिलमिला रहे हैं। हमें कुदरत की इस खूबसूरती को इंजॉय करना चाहिए और आप लोग जो घरों में बैठे हुए हैं आपको भी जब भी फुर्सत मिले, जब भी आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हों। ये सामने एक खूबसूरत व्यू अभी आप देखें, मेरे साथ साकिब भाई और राना आसिफ साहब और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त माइनिंग करने लगे हैं मौजूद हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ हम इस रास्ते को भी जो आप को नज़र आ रहा होगा हमारे सामने गाड़ियां चल रही हैं, ये पहाड़ी सिलसिला है, उतरते वक्त हमेशा एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए और साकिब भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है और जैसे जैसे कोई व्यू हमारे सामने आता है वो भी हम आपके सामने रखते हैं और इस कुदरत की खूबसूरत खूबसूरती को आपके सामने पेश करते हैं। ये लेफ़्ट साइड से एक व्यू है, आप इसको देखें और देखें कि किस तरह रंग बिरंगी हरी लाल पीली गुलाबी नीली हर रंग की जो है वो लाइट आपको नज़र आएगी इस्लामाबाद में फैली हुई। और एक तो आसमान पर आपको अगर नज़र आ रहा हो तो आप देखें बादल हैं और वो सितारे जो आसमान पर होने चाहिए थे वो आपको ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। ये वो खूबसूरती है जो बहुत कम नज़र आती है और जो इस मनाल या इस इलाके में आकर आप इंजॉय करते हैं। दिन का मंज़र अपनी एक अलग खूबसूरती लिए हुए है, रात का मंज़र अपनी एक अलग खूबसूरती लिए हुए और हमारा ये सफ़र बहुत ही मज़े का गुजर रहा है। हम सब चारों दोस्त जो हैं वो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमारे आपस में बातें भी हो रही हैं, लताइफ भी एक्सचेंज हो रहे हैं, वी आर कटिंग जोक्स और बहुत 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 इंजॉय कर रहे हैं। अभी दामने कोह से हम गुज़र रहे हैं और दामने कोह का ये पार्क आपने देखा, इसका एक व्यू आपने जरा देखे दामने कोह को, इसका मतलब है कि अब हम बहुत करीब हैं इस्लामाबाद के। थोड़ी देर बाद तकरीबन 5 या 7 मिनट बाद हम ये उतराई उतर कर पहुँच जाएँगे E10 में और उसके बाद ज़रा ये इस्लामाबाद का वो खूबसूरत व्यू। जी तो इससे पहले कि हम अपने इस व्लॉग को ख़त्म करें मैं प्रोफेसर नईमुल हसन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस व्लॉग का अख्तिताम और आज के सफ़र का अख्तिताम एक खूबसूरत शेर पर करें। प्रोफेसर नईमुल हसन साहब जनाब, शेर आपकी नज़र, तुझसे फ़िलहाल कोई तलब है न तमन्ना, तुझसे फ़िलहाल कोई तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। वाह 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 वाह, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। ये फैसल मस्जिद का एक खूबसूरत व्यू जो अभी आपने देखा और आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये है वो खूबसूरती हमारे मुल्क हमारे देश पाकिस्तान की और ये है इस मिट्टी की खुशबू, ये है हमारी पाकिस्तानी धरती। हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएँ लेकिन सरज़मीन पाकिस्तान और अपने वतन की ये मिट्टी, इसकी खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है और यही वो खूबसूरती है जिसको हम कहते हैं कि सगी माँ के बाद अगर कोई माँ का रिश्ता है तो वो धरती माँ का रिश्ता है जो जिसकी गोद में आप हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। हमारी ये धरती माँ हमेशा सलामत रहे और आप सब भी आबाद रहें। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।